सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप लोग अपनी फ़ोटो को स्मूथनेस में एडिट कर सकते हो। अगर आप भी सीखना चाहते हैं अपनी फ़ोटो को स्मूथनेस में एडिट करना, तो आपको ये वीडियो करना होगा फुल वॉच और हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहें। तो वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो फ़ोटो एडिट करनी है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लाइट का, आपको उसके ऊपर टैप कर देना है फिर नीचे की तरफ। उसके बाद आपको एक इसकी जो एक्सप्लोर होती है इसको आपको 20 कर लेना है, और जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपको इसको 12 कर लेना है। जो इसकी हाइलाइट्स होगी आपको इसको 25 के आसपास ही रखना है, और जो इसकी शेडो होगी उसको आपको 117 के आसपास, वाइट वाइट सो आपको करना है 14 माइनस, ताकि सिक्योरिटी हो, क्वालिटी अच्छी में आए। तो आपकी जो ब्लैक्स है इसको आपको कर लेना है -150। इसके बाद आपको इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है नीचे। वहाँ जाने के बाद आपको जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसको आपको सब 100 माइनस कर लेना है। उसके बाद आपको जो इसकी क्लियरिटी है इसको 17 माइनस कर लेना है, या फिर नहीं 17 प्लस करना है इसको। फिर जैसे जो इसकी डाइज है इसको आपको कर लेना है -8 के आसपास। इसके बाद आपको नीचे जाना है डिटेल वाले ऑप्शन में, आपको जिसकी शेयरपिंग होगी आपको इसको 33 कर लेना है। इसके बाद नॉइज़ रिडक्शन को आपको कर लेना है 26। जो इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आपको कलर नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको 23 के आसपास रखना है। फिर आपको डिटेल वाले ऑप्शन में चले जाना है, इसको आपको 100 कर देना है। इसके बाद आपको स्मूथनेस को 62 के आसपास कर लेना है। फिर आपको कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है ऊपर। फिर आपको मिक्स टूल में चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेचुरेशन को -19 के आसपास लेकर चले जाना है। फिर आपको इसकी लुमिनस को 19 कर लेना है, +19। तो दोस्तों, ये हमारी फ़ोटो है, आपको दिख रही होगी, एडिट हो चुकी है। अगर आप भी ऐसी एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी एडिटिंग वीडियोस लेकर आते रहें।